हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर थ्री डिफरेंट रेडिएशन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन में, देखिए ये ग्राफ दे रखा है और हमें इन चार में से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ग्राफ में ये हमारा फोटो करंट है और ये हमारा एनोड पोटेंशियल दे रखा है इस एक्सिस पे। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं इस ग्राफ का। तो की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा, इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर टू वेवलेंथ्स, और सिमिलरली हम लिख सकते हैं टू रेडिएशंस। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो देखिए तब क्या होगा। आंशिक का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। तो देखिए वर्क फंक्शन किसी एक मेटल के लिए सेम रहेगा और हमने बोल दिया है कि दोनों ही रेडिएशंस के लिए हमारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। तो एनर्जी वन, सिमिलरली एनर्जी टू भी हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड रेडिएशन की W प्लस E इंटू V। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2। तो बट E1 हमारा है क्या, यह है HC by lambda 1 और यह हमारा HC by lambda 2, और हम लिख सकते हैं इसको H फ्रीक्वेंसी 1 F1 इज इक्वल्स टू H F2। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, दोनों ही रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, दे विल हैव सेम फ्रीक्वेंसी। एंड सेकंड चीज हम क्या जानते हैं कि हमारा जो करंट होता है फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो करंट हमारे किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो इन दो की कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ए और बी कर्व के लिए देखते हैं। देखिए ए और बी कर्व के लिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो वी स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए कर्व, दिस इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर सेकंड कर्व। तो इनका अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो यहां से हमने क्या ड्राइव किया है, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सेम। तो ए और बी की क्या हो जाएगी, ए एंड बी हैव सेम फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करें अगर बी एंड सी कर्व की, तो देखिए बी बी कर्व एंड सी कर्व के लिए हमारा जो सेचुरेशन करंट है वो सेम आ रहा है। तो सेचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब सेचुरेशन करंट होता है मैक्सिमम फोटो करंट, तो वो अगर सेम है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी सेम रहेगी। तो बी एंड सी में क्या हो जाएगा, सेम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी। देखिए अब इसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन को। देखिए यहां पर ए और बी में सेम फ्रीक्वेंसी है बट इनका ए और बी का देखिए फोटो करंट भी मैक्सिमम फोटो करंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दे विल हैव आल्सो डिफरेंट इंटेंसिटी। अब इसी के बेसिस पे हम ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने कैसे कैलकुलेट करी है, यहां पर सेम, तो ये हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, तो ये सही है बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी। तो ये ऑप्शन हमारा पूरी तरह सही है। इसी तरह हम ऑप्शन सी देखते हैं, कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटी। देखिए बी एंड सी के लिए हमारी इंटेंसिटी कैसी है, सेम, बट यहां पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, डिफरेंट इंटेंसिटी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग द सेम इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी तो सेम रहेगी बी एंड सी के लिए बट हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग हो जाएगी क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल बी एंड सी का सेम नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हम करेक्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।